है क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। आनंदपुर गांव में एक ही होटल था, लाला का होटल। इस होटल में मुन्ना और बंसी काम किया करते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बंसी बावर्ची था और मुन्ना वेटर। बंसी भाई, आज मैं कुछ घर से खाना नहीं लाया हूँ। तू फिकर मत कर मुन्ना, मैं यहीं दूसरे ऑर्डर में तेरे लिए बना लूंगा। ठीक है भाई, पर ध्यान देना, लाला का ध्यान है तुझ पे। आज तक लाला कभी पकड़ पाया है क्या हमें? जब आज पकड़ेगा। दोनों अपना अपना काम करने लगे। बंसी ने अगले ऑर्डर में मुन्ना के लिए भी खाना बना लिया और उसे पैक करके अपने डिब्बे के साथ रख दिया। और जब दोपहर हुई, बंसी और मुन्ना दोनों डिब्बा लेकर होटल के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते थे। अरे बंसी भाई, आज क्या लाए हो मेरे लिए? तेरे पसंद के छोले और पराठे। वाह वाह, आपके हाथों के छोले पराठे तो कमाल के होते हैं। लाइए दीजिए, भूख लगी है। हाँ हाँ, खा ले, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। मुन्ना और बंसी पेट भर के खाना खाते हैं। लाला जी से पगार बढ़ाने की बात करनी है। अब इस पगार में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी, मेरी माँ तो कब से बोल रही है कि छोड़ दे ये नौकरी। चल ठीक है, फिर आज लाला जी से बात कर ही लेते हैं। मुन्ना और बंसी लाला के पास गए। लाला जी, अब इस पगार में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपसे निवेदन है कि आप मेरी पगार बढ़ा दें और मेरी भी। तुम दोनों पगार बढ़ाने की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। यहाँ रोज का मुनाफा कटता जा रहा है, कहाँ से बढ़ाऊँ तुम्हारी पगार? जो पगार मिल रही है उसमें काम करना है तो करो, वरना कोई और नौकरी ढूंढ लो। लाला जी का जवाब सुनकर मुन्ना और बंसी दोनों निराश हो गए थे। शाम को जब दोनों दोस्त काम पर से छुटे तो बंसी बोलने लगा, अब मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी ही होगी, पर अपने गांव में और होटल है कहाँ? दूसरी नौकरी के लिए आपको गांव से बाहर जाना होगा, पर परिवार का भला भी तो सोचना होगा ना। मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ कि अपना खुद का होटल खोलूं। अगर आप मेरा साथ दें तो हम दोनों अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। फिर हमें किसी के अंदर काम करने की कोई जरूरत नहीं, पर होटल खोलने के लिए होटल किराए पर लेना होगा। इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। मुन्ना बंसी को गांव के बाहर ले गया। वहाँ एक मैदान में पुराना टूटा फूटा प्लेन पड़ा था। प्लेन के कुछ पुर्जे थे और कुछ गायब थे। अक्सर गांव के बच्चे इस प्लेन के साथ खेलते थे। ये हमारा होटल बन सकता है। ये इस जगह का ना हमें किराया देना होगा और ना ही कुछ। हमें बस इस कबाड़ को प्लेन करने की मेहनत करनी है। मैं ये पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ। इसकी मरम्मत करने में ज्यादा कुछ नहीं होगा बंसी भाई। वैसे आइडिया तो तेरा बुरा नहीं है। हमारे क्या आसपास के किसी गांव में एरोप्लेन होटल नहीं है? बिल्कुल, तो हम दोनों कल से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। ये हुई ना बात, अब हम खुद के मालिक हैं और जो मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। वो दोनों खुश थे कि जल्द ही उनका खुद का होटल खुलेगा। उन्हें किसी के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं। अगली सुबह मुन्ना और बंसी ने एरोप्लेन की सफाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में एरोप्लेन चमक रहा था। एरोप्लेन में पहले से कुर्सियां थी। मुन्ना और बंसी ने कुछ कुर्सियों की जगह टेबल बना दिए। अगले दिन भी यही काम चलता रहा। आज दोनों ने मिलकर एरोप्लेन के अंदर रसोई घर बनाया। 2-3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनका एरोप्लेन होटल तैयार था। हम कल से ही शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और मैं आज ही गांव में ऐलान करवा देता हूँ। इसकी क्या जरूरत? जरूरत है, एरोप्लेन होटल कोई मामूली चीज थोड़ी है बंसी भैया। हाँ, इसी बहाने ग्राहक भी आएंगे ही। शाम के समय मुन्ना एक भोपू लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में पहली बार ऐसा होटल जो आसपास के किसी गांव में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अनोखा और अद्भुत होटल, एरोप्लेन होटल। कल गांव के बाहर एरोप्लेन होटल का उद्घाटन है। सारे गांव वालों का
आमंत्रण है कि वो हमारे अद्भुत एरोप्लेन होटल में पधारें। एरोप्लेन होटल? ऐसा होटल तो कभी नहीं सुना, कल जाकर देख ही लेते हैं। गांव वालों के लिए एरोप्लेन यही बड़ी बात थी, एरोप्लेन होटल के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अगले सुबह सुबह बंसी ने ढेर सारे समोसा बनाए। इतने सारे समोसे क्यों? क्योंकि हमारे ये अद्भुत होटल को देखने के लिए पूरा गांव आएगा। ओ, मुन्ना बोल ही रहा था कि गांव वालों का आना शुरू हो गया। जा सबको समोसे बांट। मुन्ना ने समोसे की प्लेट उठाई और आए हुए मेहमानों को समोसे बांटने लगा। गांव वाले अनोखा होटल देखकर खुश थे। आज तो मैं एरोप्लेन होटल में ही खाना खाऊंगा। अरे मुन्ना बेटा, मेरे लिए छोले भटूरे ले आ। अभी लाया काका। गांव वाले पहली बार एरोप्लेन होटल में बैठे थे और सभी धड़ाधड़ ऑर्डर्स दे रहे थे। बंसी और मुन्ना का होटल तो पहले ही दिन में मशहूर हो गया। होटल के बाहर लंबी लाइन लगी थी। अगले दिन भी यही हाल था, एरोप्लेन होटल के बाहर लंबी कतार लगने लगी। हम तो वो बगल वाले गांव से आए हैं। हम तो 10 किलोमीटर दूर वाले गांव से आए हैं। पहली बार एरोप्लेन में बैठेंगे। एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन होटल। मुन्ना और बंसी ग्राहकों को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। उन दोनों ने और लोगों को भी काम पर रख लिया। दोनों का एरोप्लेन का होटल का आइडिया काम कर गया। दिन ब दिन उन दोनों का मुनाफा बढ़ता ही जा रहा था। उनके पास ग्राहक इतने थे कि सांस लेने का भी वक्त नहीं था, पर दोनों खुश थे। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा हुआ कि हमने लाला की नौकरी छोड़कर खुद का होटल खोला, वरना ये सब नहीं होता। हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एरोप्लेन होटल की सफलता से मुन्ना और बंसी ने बहुत पैसे कमाए। बंसी ने अपना घर बड़ा बनवा लिया और मुन्ना ने एक नया घर खरीद लिया। पहले वो दोनों एक होटल में काम करते थे, अब उनके खुद के होटल में कई लोग काम करते हैं। किसने सोचा था कि ये सब भी संभव है? मुन्ना का आइडिया उसकी सफलता का राज था। मुन्ना ने कुछ अलग सोचा, एरोप्लेन होटल, जिसने उन दोनों की जिंदगी बदल दी।